हे गाइस, तो कैसे हो सब लोग। होपफुली मस्त हो गए। लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक टुनाइट अपडेट वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल 23 अप्रैल को अपने इंडिया सर्वर के अंदर कौन सा ना इवेंट है, कौन सा ना आइटम आने वाला है, एंड इसी के साथ में कुछ और भी मस्त मस्त अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंड आप इनसे बहुत भाई पूछ रहे थे कि जो अपना नया ईवो बंडल आएगा वो कब आने वाला है, क्या कन्फर्म डेट होगी, क्या इवेंट वगैरह होगा, तो उसके बारे में भी आपको गाइस बताने वाला हूँ डिटेल में। बाकी यार, प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों की काफ़ी सारी कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग टॉपिक्स को लेके, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने पिक कर लिए हैं, तो उनका भी रिप्लाई इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखेगा और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल बने हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चले गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को रिप्लाई कर देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से पिक किया। पहले कमेंट करें लिंक लेजेंड की तरफ से, ये वह करें भाई स्कॉर्पियो बंडल कब आएगा। यार सही बताओ ना आपको, स्कॉर्पियो ईवो बंडल रिटर्न को लेकर ना अभी कोई वैलिड लीक्स यहाँ पे नहीं निकल के आ रही हैं। देखो स्कॉर्पियो बंडल इतने जल्दी रिटर्न नहीं आएगा, उससे पहले कोबरा बंडल रिटर्न आएगा, क्योंकि कोबरा बंडल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। तो कोबरा बंडल के बाद में हमें स्कॉर्पियो ईवो बंडल रिटर्न मिलेगा। बाकी 1% कुछ कह नहीं सकते, क्या पता गरन यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर दें इनको, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई कंफर्म लीक्स नहीं है स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न को लेके, ठीक है। एंड नेक्स्ट कमेंट आ रही है ध्रुव की तरफ से, ये वह कह रहे हैं भाई ईवो एक्सेस में कितनी गन मिलेंगी और मैक्स मिलेंगे क्या, प्लीज़ बताओ। देखो यार ईवो एक्सेस के अंदर कितनी गन्स मिलेंगी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैक्स मिलेंगे या नहीं देखो उसका जो है ना टोटली डिपेंड करता है आपने मतलब मेम्बरशिप जो ली है ईवो एक्सेस की, उसके अंदर जो है आपको किस हिसाब से गन स्किन्स मिल रही हैं, कितने दिन के ट्रायल के लिए मिल रही हैं एंड कितने लेवल की आपको गन स्किन दी जा रही है, ठीक है, ये वहाँ पे मैटर करेगा। अभी देखो टोटली पूरा क्या सीन रहेगा ईवो एक्सेस का वो अभी यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है। बाकी ईवो एक्सेस इवेंट जल्दी ही गाइज मतलब जो सेक्शन है वो जल्दी ही अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, बैनर्स वगैरह निकल के आ चुके हैं। तो जैसे ही वो आ जाएगा फुल मैं वीडियो बना कर दूंगा क्या सीन रहेगा पूरे ईवो एक्सेस इवेंट का। बाकी आपको क्या लगता है ईवो एक्सेस इवेंट को लेकर मुझे एक बार कमेंट करके जोर से बताइएगा। एंड नेक्स्ट कमेंट है विशेष ओझा की तरफ से, ये वह कह रहे हैं भाई पर्पल सेट बंडल कब तक रिटर्न आएगा। यार पर्पल सेट की बात कर रहे हो, गोल्डन सेट बंडल के साथ में ऑलरेडी स्कैप हो चुका है, जैसे कि पहले से यार लीक्स निकल के आ रही थी कि जो नया गोल्डन सेट बंडल है स्कॉर्चिंग सील बंडल, जब वो आएगा उसके साथ में गोल्डन सेट बंडल रिटर्न आएगा, लेकिन यार यहाँ पे तो कोई दूसरे बंडल रिटर्न डाल दिए। तो अब सीन ये है, पहले तो यार गोल्डन सेट बंडल रिटर्न आया, उसके बाद में पर्पल सेट बंडल वगैरह ये रिटर्न डाले जाएंगे। तो अभी कोई लीक्स नहीं है भाई पर्पल सेट बंडल के रिटर्न आने की, ठीक है। तो यार यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट जिनका रिप्लाई मैंने कर दिया है, और चलिए कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यार बहुत भाई पूछ रहे थे कि नेक्स्ट ईवो बंडल का क्या सीन है, क्या कंफर्म डेट होगी, क्या इवेंट वगैरह होगा, तो सबसे पहले तो यार आप जो है ना पूरा यहाँ पे अपना नेक्स्ट ईवो बंडल देख लो जो कि पैराडॉक्स इवेंट पर बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। एंड देखो पैराडॉक्स इवेंट पर बेस्ड ना आपको काफ़ी सारे तगड़े तगड़े आइटम्स देखने को मिलेंगे, हाइपर बुक वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया है। एंड ये टोटल जो पैराडॉक्स इवेंट के आइटम्स हैं, पैराडॉक्स इवेंट गाइज हमें मई महीने के अंदर मिलने वाला है, ठीक है, स्टार्ट मई महीने के अंदर ही होने वाला है। बाकी देखो जो इसका पैराडॉक्स इवेंट का ईवो बंडल रहेगा वो गाइस हमें इसके पीक डे से एक हफ्ते पहले देखने को मिलेगा गेम के अंदर। एंड मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक 15-20 मई तक जो है गेम के अंदर ये पैराडॉक्स का ईवो बंडल आ जाएगा, एंड ज़्यादा ही होगा तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब जो मई महीने का फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा कन्फर्म नहीं है, मान के चल रहे हैं कि मई महीने के मिड तक पैराडॉक्स ईवो बंडल आ सकता है गेम के अंदर। एंड हाई चांसेस है गाइज ये जो है ना, देखो कुछ कुछ सर्वर के अंदर तो भाई लीक्स निकल के आने की रिंग इवेंट के अंदर ही डाला जाएगा जहाँ पे मतलब दोनों वेरिएंट होंगे इसके, या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है इसका जो व्हील टाइप का इवेंट होता है वो भी यहाँ पे डाला जा सकता है कुछ सर्वर्स के अंदर, ठीक है, वरना दोनों वेरिएंट गाइज आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये लीक्स निकल के आ रही है यहाँ पे, अभी कन्फर्म नहीं हो पाया कुछ भी नई डेट वगैरह को लेके, तो जो इंटरनल लीक्स निकल के आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड डेट वगैरह का सीन तो अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, तो वेट करो बस यहाँ पे पैराडॉक्स इवेंट स्टार्ट होने दो, पूरी कंफर्म लीक्स आ जाएंगी एक एक चीज़ की, कब ईवो बंडल आने वाला है, कब हाइपर बुक मिलेगी, कौन से क्या आइटम्स, सब कुछ, ठीक है ना। सो ये भाई अपनी अभी पैराडॉक्स इवेंट को लेकर लीक्स वगैरह हैं। एंड चलिए अपने टुनाइट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यार आपको वीडियो में फुल मज़ा आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो गाइज देखो टुनाइट अपडेट ये है कि कल 23 अप्रैल को तो कोई ऐसा खास इवेंट नहीं आने वाला जिसकी मेरे पास कोई लीक्स है, लेकिन गाइज फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, पर गरना वाले ईवो एक्सेस इवेंट को लॉन्च कर सकते हैं कभी भी किसी भी डेट को, क्या पता कल कर दें परसों कर दें, क्योंकि गेम के अंदर बैनर तो ऐड हो ही चुका है, तो इस अप्रैल महीने के अंदर अंदर जहाँ तक है ईवो एक्सेस जो सेक्शन है वो लॉन्च हो ही जाएगा, तो कुछ कन्फर्म नहीं है, कल भी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कब आता है ईवो एक्सेस इवेंट,
तो फिलहाल के लिए यही थी अपडेट्स वगैरह जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।